नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार में विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी देगा एनडीए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा नीत एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी देने का वादा किया। एनडीए के इस चुनावी घोषणा पत्र में मेक इन बिहार और डिजिटल बिहार का नारा दिया गया है। साथ ही गरीब परिवारों को हर साल 2 धोती और साड़ी देने का वादा किया गया है। जेटली ने जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को अवसरवादी करार दिया और कहा कि अभिनेता बदलने से जंगल राज का चरित्र नहीं बदलेगा। नीतीश पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जंगल राज के खिलाफ वह 2 बार चुनाव जीते, लेकिन अब जंगल राज के निर्माता निर्देशक वही हैं। अब जेडीयू की निर्भरता जंगल राज वालों के साथ है। सीरिया पर रूस का हवाई हमला। सीरिया के विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित होम्स प्रांत में रहने वाले लोगों ने पिछले 5 वर्ष के गृह युद्ध में वैसे तो काफी तबाही देखी है, किंतु बुधवार के रूसी हवाई हमलों में उन्होंने अपने कस्बे में विनाश का जो मंजर देखा, उसे भूल पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। रूस के जेट विमानों ने हमलों के लिए काफी ऊंचाई पर उड़ान भरी और उनकी उड़ान के समय सीरियाई विमानों जैसा शोर भी सुनाई नहीं दिया, किंतु उनकी बमबारी में भारी तबाही हुई और कम से कम 33 नागरिक मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। रूस का कहना है कि उसने इस हमले में इस्लामिक स्टेट को लक्ष्य बनाया, किंतु यह इस्लामिक स्टेट की उपस्थिति नहीं है। यही बात अमेरिका तथा ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी कही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर रोक। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने सिंह और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच जारी रखेगी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। आईपीएस की पत्नी की दादागिरी, पुलिस वालों को बनाया बंधक। गुजरात के एडीजीपी विपुल बिजॉय की पत्नी द्वारा 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। ये लोग बंगला खाली करवाने के लिए पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक इन्हें बंगले के गैराज में मंगलवार शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक और बुधवार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बुलाकर बैठाए रखा। इस दौरान इन पुलिस वालों को कुछ भी खाने पीने तक के लिए नहीं दिया गया। इनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर, 12 PSI एवं कांस्टेबल शामिल हैं। गांधीनगर रेंज के IG हंसमुख पटेल ने मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को छुड़ाया। मीडिया में मामला आने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह PK तनेजा ने DGP PC ठाकुर से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।